अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? फ्रेंड खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के हिफ्ज़-अमान में होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे PPR की फिटिंग के हवाले से। ये मैं पहली वीडियो बनाने लगा हूँ अपने चैनल पर। इससे पहले आपको पता है HDPE पाइप की फिटिंग के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो ठंड भी बहुत है, आपको पता है सर्दी का मौसम है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हुए तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ये एक 9x7 का वाशरूम है। थोड़ी देर लाइट का, तो इसकी आपको जो है PPRC की फिटिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसी हाथ से शुरू कर लेते हैं। ये जो इसके दो पॉइंट है, ये इसकी वेंटी के लिए है। आजकल जो है वेंटी चलती है। ये इसकी हाइट जो है 22 से 23 इंच रखी जाती है। और इसके साथ ये एक वाल लगाया हुआ है। ये अपनी सेफ्टी के लिए जो है इस वाल को लगाया हुआ है कि कोई अगर लीकेज वगैरह आ जाए तो इसी तरह इस जगह पर शावर के लिए ये दो पॉइंट है, ठीक है। इसकी हाइट 3 फुट 2 3 इंच से 3.5 फुट तक रखी जाती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस साइड की बोर्ड वाली तरफ, तो ये इसकी सेटिंग है। ये तकरीबन 1.5 फुट तक जो है, 1 फुट 4 इंच या 1.5 फुट तक इसकी सखी जाती है। ये मुस्लिम शावर जो है एक राइट साइड पर रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इससे इसकी जो ये दीवार में फिक्स टंकी आएगी और कमोड की सेटिंग आएगी, तो इसके लिए आप ये दीवार लगी हुई है, तो इस शावर करने के लिए आप इस जगह पर शीशा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इस साइड पर अभी आपको बताते हैं। अभी ये तो प्लास्टर का भी काम नहीं हुआ। ये निशे हैं, एक ये निशा है और ये लाइट का पॉइंट है। तो इस जगह पर जो मिरर वगैरह लगेगा डिश के ऊपर, सॉरी वेंटी के ऊपर, और इसका भी एक बेहतरीन व्यू होगा। और इसी तरह इस साइड पर भी एक जो है निश है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो PPRC के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको जो है इसकी UPVC की, इसके बारे में भी इंशाल्लाह जो है डिटेल में आपको बताऊंगा फिटिंग करते हुए। आपको दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।